हम बात करने वाले हैं चेंजर के बारे में। चेंजर का कनेक्शन कैसे करते हैं, यानी जनरेटर और लाइट, यानी घर में किसी के चेंजर लगाना हो तो कैसे लगाएंगे, ये आज हम सीखेंगे। ठीक है, तो चेंजर का काम होता है जिसे दो जगह से हम लाइट लिए या जनरेटर और लाइट का कनेक्शन कर रहे हैं। सपोज दैट हमारे यहाँ कोई फंक्शन है, लाइट चली गई, तो उस समय हमारा क्या काम करेगा, चेंजर काम करेगा। तो जैसे चेंजर हम नीचे कर देंगे तो वो जनरेटर पे हो जाएगा, अगर ऊपर कर देंगे तो लाइट पे। तो नीचे करेंगे, बीच में करेंगे तो बंद हो जाएगा, नीचे करेंगे तो जनरेटर, ऊपर करेंगे तो लाइट। ठीक है, तो इसका कनेक्शन करने से पहले हम देखते हैं इस चेंजर में पॉइंट कुछ दिए होते हैं, 2, 4, 6, 8 करके दिया है, ऊपर से आउटपुट दिया 1, 5, यानी 1, 5 ऊपर वाला पॉइंट है, हम जो आउट करेंगे 1, 5 से करेंगे, और जो मेन सप्लाई देंगे लाइट और जनरेटर का 2, 4 से देंगे लाइट का और 6, 8 से देंगे जनरेटर का। ठीक है, तो ये MCB टाइप चेंजर है, इसका नाम है MCB टाइप चेंजर बोलेंगे। तो इसका कनेक्शन करने से पहले हम दिखाते हैं, इसमें पॉइंट है 2, 2, 4 ऊपर है और 4 नीचे है, यानी 4 ऊपर 4 नीचे, 4 ऊपर और 4 नीचे। ठीक है, तो ये दोनों फेस और न्यूट्रल, और ये दोनों फेस और न्यूट्रल, आउटपुट हमारा एक ही तरफ से होगा, क्योंकि दो दो इसमें भी 4 पॉइंट दिए होंगे, तो 4 पॉइंट हम नहीं करेंगे, किसी दो पॉइंट से करेंगे। ठीक है, यानी दो को मिला के एक हुआ आउटपुट का। तो ये हम लगाते हैं, ये हमारा बोर्ड और ये हमारी लाइट। अब हम लगाते हैं, इसमें कनेक्शन करते हैं और लाइट को जलाते हैं। ये रहा हमारा लाइट, जैसे हमने लाइट लगाया आ गया। अब ये दो पॉइंट है हमारा किसका, जनरेटर का। तो ये दोनों पॉइंट हम क्या कर रहे हैं, ये भी लगाते हैं, और ये दोनों पॉइंट हमारा जनरेटर लगा नहीं है। तो अब ये हमारा 4 पॉइंट लग गया, 2 लाइट का और 2 जनरेटर का। जैसे ऊपर किए ये लाइट से जल रहा है, और जैसे ही हम बीच में किए ये बंद हो जाएगा, ना लाइट से चलेगा ना जनरेटर से चलेगा, और जैसे ही हम नीचे करेंगे किसे चलेगा, जनरेटर से। तो ठीक है, तो ये हमारा जनरेटर, ये हमारा बंद, और ये हमारा लाइट। तो समझ में आया चेंजर।